क्योंकि वो गायिका हो ही नहीं सकती है जो कि मुंह से गालियां निकाले, मुंह से गंदे वर्ड बोले जाए। माय नहीं आ गई थी बाबू, हम अश्लील गाना छोड़ दिया। जो आप सिंगर कहती हैं तो मेरे बदन में आग लग जाए। पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि भैंस चरा के आए हैं। क्या कि वो कुछ बोल रही है अपने मैया की, कुछ बोल रही है कि हमारे कुछ के बता रहे हैं। जो भी गाली देते हैं उनको हम यही जवाब देते हैं कि आपका संस्कार ही वही है। क्या बेशरम बोलता है कि गंगा जी नहीं है मेरे पास, तो हम कहते हैं तुम्हारे घर में पानी होगा, चुल्लू और पानी में डूब के घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर बुरा लगता है तो तुमको मेरे साथ ऐसा करना पड़ेगा, तब तुमको पवन सिंह के साथ गवाएंगे, खसारी के साथ गवाएंगे, ऐसा सोचा। ये बोल खुल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री, क्या बोले हम कली क्या प्राइस दर्द। ओम साई रेसिडेंसी लेकर आया है आपके लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में आसान किस्तों में पाएं सबसे सस्ते दामों में रजिस्ट्री वाले प्लॉट, फ्लैट और दुकानें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अभी मेरे सामने है खुशबू उत्तम जी, अभी लगातार देख रहे हैं कि हर चैनलों पर छाई हुई खुशबू उत्तम जी। लेकिन आज मैं भी सवाल करूंगा, तीखे सवाल करूंगा खुशबू उत्तम जी से। आज भोजपुरी में कोहराम मचा हुआ है, यूट्यूब पर कोहराम मचा हुआ, फेसबुक पर कोहराम मचा हुआ है। कोई गंदे गीत गाकर कोहराम मचाए हुए हैं, तो कोई माँ बहन की गाली देकर कोहराम मचाए हुए हैं, तो कोई गलत न्यूज रिपोर्टिंग करके कोहराम मचाए हुए हैं। सारी बातों पर चर्चा होगी खुशबू उत्तम जी से। खुशबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कार्य आपका स्वागत है। एक चीज बताइए खुशबू जी कि गायिका किसे कहते हैं? गायिका जो गाने गाती है उनको गायिका कहते हैं, और जिन जो गंदे गीत गाती हो या जो गंदे गीत गाते हो उनको गायक और गायिका कहना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, नहीं है। वो गायिका हो ही नहीं सकती है जो कि मुंह से गालियाँ निकाले, मुंह से गंदे वर्ड बोले। और मैंने भी गाए हैं, उसके लिए मैंने माफ़ी मांग चुकी हूँ 2017 में, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाए। तो कहा जाता है, मैं थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ कि कहा जाता है कि 2017 के बाद मेरा मार्केट ख़त्म हो गया। तो मार्केट मतलब सिर्फ गंदे गानों से ही बनता है, मैंने गंदा गाना छोड़ दिया तो मेरा मार्केट ख़त्म हो गया। मैंने अच्छे अच्छे गीत भी गाए बहुत सारे। अच्छे अच्छे बताइए, आप इस समय गंदे गीत गाती थी और जब छोड़ी तो क्या आपको लगा कि नहीं हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है? हाँ बिल्कुल, मैंने तो कहा ना अभी 2017 में आरा में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहाँ पर भी विवाद हुआ कि खुशबू उत्तम है खुशबू उत्तम वापस आ। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि नहीं यार खुशबू हम गलत कर रहे हैं, हम इतना पढ़ाई लिखाई करके म्यूजिक सीख के हम क्या किए, हम म्यूजिक में प्रभाकर हैं, संगीत से प्रयाग संगीत समिति से मैंने प्रभाकर किया है, प्लस मैंने ये मगध महिला से मैंने ये किया है, संगीत में मैंने ग्रेजुएशन किया है, हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि भैंस चरा के आए हैं। तमाम श्रोता समाज से बात करना चाहते हैं कि एक बार जब खुशबू उत्तम को हाय हाय हुआ कि उन्होंने अपने को बदल डाला, उन सारे कलाकार जो गंदे गीत गाते हैं चंद मुट्ठी भर कलाकारों के लिए हाय हाय शुरू कर दिए, वो भी बदल डाले। लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि खुशबू उत्तम एक लड़की है, अकेले आई है मार्केट में, अकेले चल रही है, लेकिन बाकी लोगों के साथ नहीं होगा। बाकी लोगों का तो गाना सोचिए ना, खुशबू उत्तम छोड़ दी तो क्या अश्लीलता खत्म हो गया क्या? आज भी बज रहा है अश्लील गाने। मेरे बाद की जितनी भी फीमेल सिंगर की बात करें तो एक से एक सिंगर्स आई हैं। आप सिंगर कहती हैं तो मेरे बदन में आग लग जाता है, सिंगर नहीं है। किसी का वीडियो वायरल हो जाता है तो कोई गंदे गाली गलौज गाती हैं। अच्छा एक वीडियो वायरल हो जाता है, बाबू कभी बोल गया, आप बताइए कि किसी कलाकार का पर्सनल वीडियो वायरल हो जाता है और तमाम लोग तमाम चैनलों पे चला। और सुनिए, अच्छे गानों को जितना प्रमोट नहीं किया जाता है, उस वीडियो गंदे जो ओपन नंगा वीडियो है उसको गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाता है, इंस्टाग्राम पे लिंक बना के शेयर किया जाता है। अरे भाई साहब, इतना ही शेयर करने का शौक है तो अच्छे गीतों को शेयर कीजिए, तो गंदे गीतों को बहुत प्रमोशन मिलती है। आपसे क्या उम्मीद रखे कि अब आप गंदा गीत चंद पैसों के लिए गाएंगे या नहीं गाएंगे? नहीं, हम तो नहीं गा रहे हैं, हम तो अच्छे गाने गा रहे हैं। नहीं गा रहे हैं नहीं, आगे अगर पैसा मिले, अगर बहुत पैसे की कोई डिमांड करे कितना मैं पैसा दूंगा, तो आगे आप गंदा गीत गाएंगे या नहीं गाएंगे? देखिए गंदा गीत, गंदा का मतलब होता है गाली गलौज, लेकिन द्वर्थी गाने तो सब लोग गाए, गोपाल जी भी गाए, भरत शर्मा जी भी गाए, द्वर्थी का गाने, द्वर्थी का भी एक लिमिट होता है। हाँ, लिमिट होता है, तो लिमिट वाले गाने खुशबू उत्तम हमेशा गाएगी, द्वर्थी गाने गाएंगे क्योंकि एंटरटेनमेंट फील्ड है और एंटरटेनमेंट में या फिर एक मूवी बनती है तो उसमें एक तरह के गाने तो होते नहीं है, सब तरह के गाने होते हैं। देखिए द्वर्थी गीतों का मतलब हो गया कि एक द्वर्थी हो गया जो समाज को जलाने वाला भी द्वर्थी होता है, एक द्वर्थी होता है जो कम से कम एक एक दूसरे को प्रचिन खड़ा करके गाते हो, ऐसे गीत गाएंगे या समाज जलाने वाले गीत। द्वर्थी में देखिए क्या होता है, चोली वर्ड,
है तार बर्ड, इसको एक मकैया जहान करके एक आदमी जो भोजपुरी कलाकारों को गाली देता है, अपना यूट्यूब चैनल फेसबुक पे आता है, गाली देता है, तो वो कहता है कि चोली और भोजपुरी में वो हतार वर्ड बुरा चीज़ होता है, ठीक है, कहता है कि वो कोची बोल बहिने अपने अपने मैया की कोची बोल बहिने की हमारे कोची के भतार हो तो कोची हो कोची हो लंद फंद क्या क्या बोलता है, तो हम उसको ये कहना चाहेंगे कि चोली और भतार सब लोग गाए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत खराब वर्ड है। देखिए बॉलीवुड 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 में नहीं सुनाई देता है, बॉलीवुड वाले तो इतना हल्ला नहीं करते, अपनी चीज़ों को गंदगी नहीं फैलाते हैं, यहाँ पर तो किसी का MMS वायरल हो जाता है उसको प्रमोशन मिलती है, उस पर वीडियो लोग बनाने लगते हैं, उस पर न्यूज़ बनाने लगते हैं, क्या मतलब है? मान लीजिए अगर वायरल हो गया, ठीक है, किसी लड़की का वायरल हो गया, उसकी इज्जत है भाई, उसको इज्जत कीजिए, उसको क्यों आप उभार रहे हैं? दो आदमी के बीच का वीडियो वायरल हुआ कैसे, क्या लगता है आपको दोनों वायरल होना, दो लोगों के बीच का ही वीडियो है, तीसरे कोई है नहीं, और उस तरह का वीडियो वायरल होना शर्मनाक है या नहीं है? नहीं नहीं, बहुत गंदी गंदी बात है, और जो भी लोग ये करते हैं तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, और जो भी लड़कियां काम पाने के लिए भी बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं बाहर से, पहले पटना में ऐसा नहीं होता था, बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं, अंदर की बात हम आपको बता रहे हैं कि स्टूडियो वाले भी ये सब में बहुत शामिल हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं, स्टूडियो वाले बहुत सारे स्टूडियो वाले जो नए नए स्टूडियो खोले हैं, नई नई लड़कियों का शोषण करते हैं, लड़कियां भी जाती हैं भैया आपको काम दीजिए, भैया बोलती है लेकिन उसके बाद हम तुमको काम क्यों देंगे, तुमको मेरे साथ ऐसा करना पड़ेगा तब हम तुमको पवन सिंह के साथ गवाएंगे, खसारी के साथ गवाएंगे, ऐसा सब चल रहा है, यानी बिना कॉम्प्रोमाइज का माने नहीं आते हैं। पहले हम सुनते थे कि बॉलीवुड में होता है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, हिंदी में, लेकिन अभी ये लेटेस्ट बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका हम नाम नहीं बताएंगे, बेचारी का इज्जत का सवाल है, वो बोली उनको फ़ोन करके खुलेआम कि दीदी फलाने स्टूडियो में गए थे, फलाना म्यूजिक डायरेक्टर हमसे ऐसे बोला, तो हम कहे कि तुम बोली काहे नहीं, तुम रिकॉर्डिंग काहे नहीं की, तो नहीं दीदी हमको बोला कि फलनवा को हम पवन सिंह के साथ गवाए हैं, तुमको भी गवाएंगे, ठीक है, लेकिन तुमको मेरे साथ फलनवा को हम 7 दिन तक ले गए थे, बम्बई ले गए थे, और उसको हम गवाए हैं पवन सिंह के साथ, तुमको भी गवाएंगे, वो लड़की हमको रो रो के बोल रही थी। अब सोचिए कितनी शर्मनाक वाली बात है कि हमारे जहाँ जिसको सरस्वती का स्थान बोला जाता है हमारा स्टूडियो, ठीक है, उस स्टूडियो में ये सब हरकत होती है, छोटी छोटी लड़कियाँ आती हैं उनके साथ, बहुत ही नाइंसाफी होता है, नाइंसाफी का लेवल क्रॉस है, क्रॉस मतलब समझ रहे हैं ना, नाइंसाफी का लेवल क्रॉस है, यानी जब तक आप कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा तब तक गीतों में आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा, गीत गाने के लिए जगह नहीं मिलेगा, किसी कलाकारों के साथ जगह नहीं मिलेगा, आज ये बोल खुल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का। मेरे इस बात से बहुत सारे स्टूडियो वाले को बुरा लगेगा, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है अगर बुरा लगता है तो, ठीक है ना, हम अगर आवाज़ उठाए हैं, अगर हम आगे आए हैं तो हम अपने भोजपुरी फील्ड को और लड़कियों के साथ हैं, जो भी लड़कियों के साथ नाइंसाफी हुई है उनके साथ हैं, और जो भी गाली देते हैं उनको हम यही जवाब देते हैं कि आपका संस्कार ही वही है कि आप मेरे पोस्ट पे गाली देते हैं, ठीक है ना, और लड़कियों तुम लोगों को भी ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारी नई सिंगर्स हैं जो भी हमको फ़ोन करती हैं, हमको मानती हैं, दीदी बोलती हैं, तो हम लड़कियों आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे ऐसे चंगुल के चक्कर में मत पड़िए, और कोई नहीं आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आगे खुद ही आपको बढ़ना होगा, और गलत करके तो कभी कोई आगे बढ़ा ही नहीं सकता है, वो आपको बस यूज कर सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात सामने आई थी, एक लड़की हमको फ़ोन की, डरते बाबा बोलती है क्या कि दीदी हम बहुत परेशान हैं, हमें हुआ क्या बताओ, तो नहीं दीदी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, हम कह रहे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बोलो क्या बात है, तो दीदी हम गए थे फलाने स्टूडियो में, नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि सबका इज्जत होता है, हम उनका भी इज्जत कर रहे हैं जो भी ऐसा करते हैं, तो दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमारे फील्ड को भी कुछ लोग कचरा बना रहे हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था, स्टूडियो एकदम सरस्वती का स्थान, बाबा हम घंटों कोरस किए हैं स्टूडियो में, खुद भी हम अभी शादी हुआ ना, तो पहले तो हम ऐसे ही जाते थे स्टूडियो में, तो मतलब इतना मंदिर के जैसा हम लोग पूजते हैं स्टूडियो को, और स्टूडियो में इस तरह का नीच हरकत हो रहा है आजकल, जहाँ मंदिर की तरह स्टूडियो को पूजा जाता है वहाँ नीच हरकत होता है, लड़कियों को ये कहता है कि मतलब बड़े बड़े सिंगर के साथ गवाएंगे, बड़े बड़े सिंगर के साथ गवाएंगे, तो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, और सोच सकते हैं पिछले जमानों में बहुत कुछ कह डाला खुशबू उत्तम जी ने, आज क्या बोले हम कलेजा फटरा इस दर्द से, जो माँ बाप अपनी बेटियों को गीत के माध्यम से किसी स्टूडियो में भेजते हैं, सोच लीजिए होता क्या है, सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक कलाकार के मुँह से आ रही है, शायद क्या उस माँ बाप को दर्द नहीं होता होगा, क्या वो माँ बाप नहीं है जो अपने बेटियों को भेज देते हैं उस स्टूडियो में, और कलाकारी करना है तो कंप्रोमाइज छोड़ना होगा, कोई कलाकार कंप्रोमाइज नहीं कर सकता,
मैं भी कहता हूँ कोई कलाकार कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, लेकिन आज दर्द की चिंगारी जो निकल रही है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। एक और कहेंगे कि आज कलाकारों के आगे स्टार लगा हुआ है, कई स्टार, फाइव स्टार से लेकर सेवन स्टार तक, ये स्टार कौन देता है? कोई नहीं देता है बाबा, अपने आप से। अच्छा हमारा नाम ही बार तो ये स्टार लगा दे, अच्छा हमारा गाना ट्रेंडिंग में जाता तो ट्रेंडिंग स्टार लगा दे, हम स्टाइल में रहे नहीं तो हमारा नाम क्या गया, स्टाइलिश स्टार लगा दे। हम तो आज तक नहीं लगाए कोई स्टार। आपका कोई नहीं लगाया? इसी अगर बताए कि उन स्टारों के गीत पर यूट्यूब और फेसबुक पर जब गाली गलौज हो उसको क्या कहें, कलाकार कहना उचित है या नहीं है? नहीं, ये एक बात बताते हैं, मेरे भी पोस्ट पे बहुत गाली गलौज हो रहा है, लेकिन हम किस लिए लग रहे हैं? क्योंकि हम साफ किए। और वही भगैया जवान हमको क्या बोलता है कि अरे 2017 के बाद हम ओकर वीडियो नहीं बनाए तो हमको कैसे बोलती, काहे नहीं बनाए, काहे कि ओकर मार्केटिंग खत्म हो गया था, ओकर माय आ गई थी। माय नहीं आ गई थी बाबू, हम अश्लील गाना छोड़ दिए थे, ठीक है, और साफ सुथरा की तरफ बढ़े। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ललकार ललकार के हमको फिर से तुम लोग मगही ये डबल मीनिंग गाना गाने के लिए तुम ही लोग मजबूर करोगे, क्योंकि साफ सुथरा। अब पता है कि एक और चीज़ फोन आ रहा है, एक मेरा गाना आया है सैया हमारे डीजे वाला, मगही में गाना है, बहुत साफ सुथरा गाना है, डीजे पे बजने वाला गाना है। तो पता है हमको इतना फोन आ रहा है ना कि अरे एक सप्ताह में तो आपका गाना का व्यू नहीं आया है, 50,000 व्यूज आया है, कैसी है, डिलीट कर दीजिए उसको यूट्यूब पर से। तो हम फ़ोन करके उसको क्या बोले, मतलब वो लड़का जो हमको बोल रहा था, बोले बता कि तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है, तो बोलता है 26 साल। तो बोले कि क्या करते हो, तो बोलता है आप लोग का गाना सुनते हैं। तो हम कहे अच्छा उसके अलावा क्या करते हो, तो बोलता है कुछ नहीं करते हैं। तो हम कहे कि बेटा तुम जाओ और गंगा जी में डूब के मर जाओ। तो तब क्या बेशरम बोलता है कि गंगा जी नहीं है मेरे पास। तो हम कहे कि तुम्हारे घर में पानी होगा, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम तो 26 साल के हो गए हो। अरे जब मेरे घर मेरे गाना नहीं बज रहा तो उसको डिलीट कर दे, क्यों डिलीट कर दे, तुम होते कौन हो बोलने वाले, ऐसा ऐसा टाइप। बिल्कुल सही गाना बोलता है कि हम मगैया जवान के सपोर्टर हैं। नहीं तो गलत बात है, हमारा गाना चले या नहीं चले किसी को डिलीट कराना हाँ। नहीं है। एक चीज और बताइएगा थोड़ा सा हमको कि आज जब गीत निकलता है उसे अधिक गालियाँ दी जाती है, क्या नहीं लगता किसी साजिश के तहत गाली दिलवाया जाता है तो गीत का व्यूज बढ़ जाए? बिल्कुल 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 दी जाती है, और इसमें बहुत सारे कलाकार भी करते हैं सहयोग, लेकिन इसमें हम सबसे ज़्यादा समाज को दोषी मानते हैं। एक गाना बज रहा है कि आज भर क्या है, ढील द ढोड़ी जनी छील द, ये जो पंच लाइन है ना, ज़बरदस्त पंच लाइन है, और इस पर समाज खूब थिरक थिरक के नाच रही है, खूब थिरक थिरक के। हम 3 दिन से तो हम खुद प्रोग्राम में जा रहे हैं। कौन गाया इसको? कौन गाए? कोई बुलेट राजा करके सिंगर है, वो गाए हैं। और ट्रेंड और ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में चल रहा था ये गाना, नेपाल में भी ट्रेंड किया है, इंडिया में भी ट्रेंडिंग किया है, और पता है मतलब करोड़ों में व्यूज है, लेकिन इसको करोड़ों में व्यूअर्स कौन दिए हैं? समाज, समाज लोग। आप लोगों से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि आप लोग प्लीज ऐसे गानों को प्रमोशन ना दें, अच्छे और साफ सुथरे गाने आप लोग सुनना स्टार्ट कर देंगे तो उससे बनना बंद हो जाएगा। इसीलिए मनोबल बढ़ता है नए कलाकारों का, कह रहे फलनवा का गंदा गाना हिट हो रहा है तो हम भी गंदे गाना ना गाएंगे, खुशबू तुम जैसा भक्ति गाना गाएंगे तो हम तो फेंका ही जाएंगे, आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। इसीलिए नए सिंगर जो आ रहे हैं ना ये गंदे गंदे गाने गा रहे हैं। आपको एक चीज और बताइएगा कि दो कलाकार आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्या लगता है वास्तविक लड़ाई है या कहीं ना कहीं ये समाज में बंद रहने का एक नया खेला है? देखिए इस पर हम नहीं कहना चाहेंगे, हो सकता है कि लड़ाई हो, क्योंकि देखिए ताना तानी तो दोनों तरफ से चलता ही रहता है, चाहे वो आंतरिक हो या फिर ऑन मीडिया हो, तो इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, ये उन लोगों का आपसी विवाद है। लेकिन हम जहाँ तक ये अश्लीलता पर विवाद है हम उस पर हम बोल रहे हैं कि हम अपने समाज से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ गंदे गाने ना बजाएं। और उस गंदे गानों में जब औरतें भी नाचती हैं ना तो और दुख होता है कि क्या यार खुशबू हम अच्छा गाना गा के क्या किए, मेरे गाने तो बज नहीं रहे, वही सब बज रहे हैं फालतू के। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक चीज़ और बताइए कि आप राइटर कलाकार और समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सबसे हाथ जोड़ के हम और नंद तिवारी बाबा दोनों लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप राइटर हों, चाहे हमारे फिल्म एक फिल्म में स्पोर्ट बॉय भी, स्पोर्ट बॉय का भी बहुत योगदान होता है, हमें पानी पिलाते हैं, हमारी सेवा करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट बॉय हो, चाहे वो गीतकार हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे रिकॉर्डिस्ट हो, चाहे स्टूडियो वाले हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे सिंगर्स हो, मेल सिंगर्स हो, फीमेल सिंगर्स हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों के पास जब भी अश्लीलता का ऑफर आए, डबल मीनिंग गाने चलते हैं, अश्लीलता का ऑफर आए, बहुत ही भद्दे जैसे छील द ढील द समियाना के चोपी का ना हो, ऐसे गाने अगर रिकॉर्डिंग के लिए भी आए, शूटिंग के लिए भी आए, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, कोई भी मत कीजिए,
ठीक है, कोई भी मत कीजिए। आप एक बात बोलिए ना कि कब से जो गंदे गीत है उसको रिपोर्ट और डिसलाइक करो। और जितने मेरे गाने पे रिपोर्ट हो रहे हैं, अच्छे गाने पे, मेरे अच्छे गाने पे रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हम आप तमाम समाज से यही कहना चाहते हैं कि जितने भी गंदे गाने सब पे रिपोर्ट मारिए। रिपोर्ट कैसे किया, बस मैं जी बजाइए ही मत। तो मैं तमाम समाज के लोगों से कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि उन कलाकार को घुटना टिकवाना है तो न गोली चलाना है, न जुबान चलाना है, सिर्फ एक उंगली चलानी है अपने मोबाइल पे। चला डालिए मोबाइल पर अपनी उंगली और बदल डालिए समाज को। यह सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। सोचिए, न गाली देने की जरूरत पड़ेगी, न गोली चलाने की जरूरत पड़ेगी। आखिर समाज को बदलना होगा, समाज को बदलना है तो आपको अपने थिरक की उंगलियों को मोबाइल पर चलाना होगा। कर डालिए डिसलाइक और कर डालिए रिपोर्ट। अगर घोटना नहीं टेक दे तो नंद कुमार तिवारी का नाम बदल डालिएगा। और दो एक चीज और कहना चाहेंगे, मैंने भोजपुरी संस्कृति का ही खत्म नहीं किया है, मैंने सिर्फ अलग जगाया है। अगर भोजपुरी संस्कृति कोई खत्म करने का बेड़ा उठाया है, उन युवा पीढ़ियों ने उठाया है, उन सभ्य समाज ने उठाया है जो आज मेरा साथ दे रहा है या अन्य लोगों का साथ दे रहा है। अगर भोजपुरी से सफाई होती है, भोजपुरी से गंदे गीतों की सफाई होती है, कचड़े की सफाई होती है, वो सब समाज को जाता है, वो युवा पीढ़ी को उसका श्रेय जाता है, न कि नंद कुमार तिवारी को जाता है। और कहीं भी किसी वीडियो में अगर दिखाई पड़ता हो कि नंद कुमार तिवारी अगर बोले हो कि हमने भोजपुरी संस्कृति का समाप्त कर दिया है, कान पकड़ कर नंद कुमार तिवारी को समाज से बाहर निकाल देते, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं छोड़ता। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जीऊंगा अपनी भोजपुरी के लिए, मरूंगा अपनी भोजपुरी के लिए, ये मेरा वादा है। मैं आप सबको अपने वादे के साथ करता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा भोजपुरी का बाज उठाते रहूंगा। और एक कलाकारों से भी मेरा नम्र निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि नंद कुमार तिवारी की बोली बंद कर दें, आप चाहते हैं कि समाज से लड़ाई खत्म करा दें, तो आप एक काम कीजिए, आप लाइव आ करके फेसबुक और यूट्यूब पर बोल डालिए कि ना हम गंदे गीत गाएंगे ना गाने देंगे। राइटर आके कहते कि ना हम लिखेंगे ना लिखने देंगे। शायद नंद कुमार तिवारी की जुबान बंद हो जाए आप सबके इसी आवाज से। एक चीज और बता दीजिए, आप थोड़ा चलते चलते कि जो भी कलाकार कहता है कि हम कल से नहीं गाएंगे, अब फिर गाता हो, क्या नहीं लगता संस्कृति विहीन है, नहीं लगता उसके संस्कार में कहीं दोष है? देखिए, ये संस्कार वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या बोले, कुछ देर पहले हम बताए ना कि जब ये गाना बजता नहीं, जिसके बात का भरोसा नहीं उसके कहीं एतबार नहीं किया जाता। मैं पूछता हूँ कि कलाकारों की बात का अगर भरोसा नहीं तो फिर भरोसा किसका किया जाएगा? नहीं, वहाँ भरोसा फिर नहीं होता है, वहाँ पर फिर आता है नाम का सवाल हो जाता है कि अगर अश्लील गाने ही बजते हैं तो हम साफ सुथरे गाने काहे गाएंगे, यही पर गाने पब्लिक खुद। एक मिनट आपको रोकूंगा, एक से पूछते हैं, आप गंदे गीत गाते हैं और आपकी बेटी आके पूछती है, माँ आज तुमने कैसा गीत गाया है, आपके पास जवाब क्या होगा? वो बेटी से पहले हमारा समाज परिवार होता है। समाज छोड़ दीजिए, बेटी से बड़ा कोई समाज नहीं होता है आपके लिए, उस घर से बड़ा कोई समाज नहीं होता। आपके आपके घर की बेटी, आपका घर का आपका पति, आपका देवर, आपकी सासुर जब पूछती है कि बेटी ये तुमने क्या किया, उसका जवाब आप क्या दे सकते हैं? या वो कलाकार क्या दे सकता है जिसकी बेटी आके पूछती है, पापा आपने क्या गाया, क्या इस पैसे से कफन खरीदना चाहते हैं, क्या मैं इस स्टोले में कैसे मुंह दिखाऊंगी, कलाकार क्या जवाब देगा? देखिए, वैसा तो हमको नहीं लगता है कि कोई बेटी पूछी होगी, क्योंकि बहुत सारे कलाकारों की बेटियां हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसके संस्कार में दोष है, उसको अच्छी परवरिश नहीं मिली है। देखिए बाबा, बात यह है ना कि जब तक समाज नहीं सुधरेगा ना, तब तक कलाकार को समझ नहीं आएगा और होश ठिकाने नहीं आएंगे। इस मतलब ऐसे गानों को ना इग्नोर करेंगे तब तक। अब ये ढोड़ी भर छील दा, मान लीजिए बुलेट राजा की बेटी होगी तो क्या कहेगी, पापा कैसा गाना है, पापा आपका गाना तो बड़ी बज रहा है, पापा आपका गाना तो बहुत हिट है, पापा फलनवा ना बहुत डांस कर रहा था, पापा फलनवा के डीजे पर बज रहा था, ये बोलेगा बच्चा? तो मैं वही कहना चाहता हूं, गाना और फिल्म समाज का आईना माना जाता है, जैसा मतलब आप दिखाते हैं समाज उसको अनुकरण करता है, आपको फॉलो करता है, तो नहीं लगता है कि मतलब कलाकारों को सुधरने की जरूरत है समाज से पहले? हम तो सुधर गए, बाकी कलाकारों आपकी बात में आपको धन्यवाद, साधुवाद और पूरा साधुवाद देता हूँ। खुशोत्तम जी को इन्होंने कहा कपड़े को बदल डाल, मैं ऐसे कलाकारों को पूजूंगा, आपको भी कह रहा हूँ, मैं आपको ही पूजूंगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वैसे कलाकारों को मैं पूजूंगा जो अभी आके खुल के कहता हो
कि मुझे गंदे गीत नहीं गाना है, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि जो गीत अपनी बेटी अपनी माँ को नहीं सुना सकते, या मेरी बेटी खुद आके गंदे गीत पर कहती है, तो क्या नहीं लगता उसके संस्कार में दोष है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम समाज को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे क्योंकि समाज इस चीज को बहुत ज्यादा लोकती है। अरे फलनवा के गाना गंदा, अच्छा ये वाला बज रहा है, मतलब अच्छे गानों को तो कोई पूछे नहीं है। अच्छा एक चीज और बताइएगा, कलाकार अगर जातिवाद पर गीत गाए वो कलाकार है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। जातिवाद पर जातीय दंगा करवाने वाला कलाकार को आप क्या कहेंगे? कलाकार तो आज से 15 साल से हम ये गाना सुन रहे हैं, कोई गाते हैं कि हाँ बबुआन क्यों ना बोली चली आज समियाना में गोली, तो ये को बोलता है कि चली सिक्सर के 6 गोली छाती में रहे। दोनों में से कोई कम नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर चली सिक्सर के 6 गोली छाती में रहे, अगर किसी की हत्या होती है तो क्या वो पापी कलाकार है या नहीं है? इधर भी सुनिए ना, इधर भी तो है, हाय भगवान क्यों नहीं बोली चली आज समियाना में गोली। अब बताइए बाबा सरकार से क्या आप चाहते हैं, इस तरह के जो कलाकार आ रहे हैं बार बार, मतलब लगातार बढ़ते जा रहे हैं जात को लेकर और कई तरह के गाना जो चोरी चुम्मा गमछा से ऊपर नहीं आज तक उठ पाया है। हमारा शुरुआत हुआ था है गंगा मैया तो एनपीआर ही चलेगा, लेकिन आज कहाँ पहुँच चुका है, इस पे सरकार को क्या? आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज एक वीडियो देख रहा था, उसकी चर्चा बाद में करूँगा। माननीय श्री अश्विनी चौबे जी को दिया है, माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को दिया है, माननीय श्री मंगल पांडे जी को दिया है, अपने माननीय श्री डीएम साहब को दिया है, श्री एसपी साहब को दिया है, मैंने तमाम लोगों का आवेदन भेज रहा है। मैंने आवेदन तैयार किया, हर जगह फिर आवेदन भेजूंगा। मैंने एक ही मांग किया है, सारे कलाकारों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए और शपथ पत्र लिया जाए कि हम गंदे गीत नहीं गाएंगे। राइटरों के रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उसे शपथ लिया जाए कि हम गंदे गीत नहीं लिखेंगे। स्टूडियो का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उसे शपथ लिया जाए कि मैं गंदे गीत रिकॉर्ड नहीं करूंगा सर आने वाले भविष्य में किसी के औकात। क्या आनंद कुमार तिवारी सीएम के जनता दरबार में ये सवाल लेके जाएंगे कि ऐसे कलाकारों पे कार्रवाई हो? मैं दिया हूँ कार्रवाई के लिए। जनता दरबार में आप गए? जी हाँ, जनता दरबार के माध्यम से दिए हैं। मैं आपको दे दूंगा उसकी कॉपी। मैं बैठा नहीं हूँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं फेसबुक पर काम करने वाला नहीं हूँ कि मैं आकर के घर में लाइव आके बोल दिया। मैं यूट्यूब पर काम करने वाला नहीं हूँ कि घर में वीडियो बनाया डाल दिया। मैं फील्ड वर्क में काम करता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ। अगर फील्ड में काम नहीं करता तो बक्सर का रहने वाला लड़का आज खुशबू तुमसे बयान लेने के लिए क्यों आता, इनको बदलने की बात क्यों करता? आज चले जाइए बक्सर में, आप चले जाइए 1% टेम्पो में बच जाए तो काफ़ी है। आप पटना में चले जाइए, मैं पटना में टेम्पो वाला के साथ मीटिंग किया, आप पटना में टेम्पो वाले को घूमिए, आपको गंदे गीत नहीं मिलेंगे। 1% का मिल गया उसकी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पटना में किसी टेम्पू पर आपको गंदे कितने मिलेंगे। मैं जा करके सबसे अनुनय विनय किया, न कि मैं किसी से झगड़ा किया। और मेरी विनती आज काम आ रही है लोगों को, मैंने समाज को जो जगाया, समाज जो जगा, सोचिएगा अगर समाज नहीं जगा होता तो क्या आप इंटरव्यू लेने के लिए आते? नहीं आते। समाज जगा है और मैं तमाम लोगों से फिर कहता हूँ, अपने सभ्य समाज से जो सब समाज का भेड़ा हम लोगों ने उठा रखा है, अगर गंदे गीत सुनते हो बहुत शर्म की बात है। तो बहुत देर तक चला इंटरव्यू, हम चाहेंगे कि आप तक बार फिर पुनः सबसे आप आग्रह कर दीजिए और इस इंटरव्यू को हम लोग बंद करेंगे। हम सबसे यही कहना चाहेंगे, खास करके बिहार सरकार की बात कही इन्होंने, हम बिहार सरकार से यही कहना चाहेंगे कि 10 दिन पहले एक न्यूज आया था कि अब जातिवाद गाना पूर्ण रूप से बिहार में बंद, तो उसी तरह से हम ये भी न्यूज़ देखना चाहते हैं उनके तरफ से कि अश्लील गाना पूर्ण रूप से बंद, कहीं भी किसी भी समाज में नहीं बजे, ना ही किसी डीजे में बजे, ना ही किसी बाजा में बजे। कोई भी बजाते हुए अगर पकड़ा गया अश्लील गाना तो उसको सीधे अंदर करेंगे, जैसे कि दारू वाला कानून लगा हुआ है, जातिवाद वाला जैसे चला है वैसे। हम बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से हम यही आग्रह करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि अश्लील गाने पूर्ण रूप से कहीं भी ना बजे, जैसे जातिवाद के लिए आपने बंद किया है उसी तरह से अश्लीलता भी ना बजे, यही बस सब अपने आप सुधर जाए। अपने कलाकारों से भी आग्रह कर दीजिए जो भी कलाकार गंदे गीत। मेरे कलाकार से मैंने बहुत बार आग्रह किया है और फिर से कहेंगे कि भैया आप लोग स्टूडियो वाले जो भी है स्टूडियो में पहले रिकॉर्डिंग ही होगा, रिकॉर्डिंग का स्टार बटन ही नहीं दबाइए अश्लील गाना जब भी आए, बिल्कुल नहीं दबाइए। तो आप कहते क्या है, एक कहते क्या है कि मेरा तो काम है, हमको तो पैसा कमाना है, तो आपको पैसा कमाना तो बाकी सब कुछ ही करेगा, मतलब उनको अश्लील गाना रिकॉर्ड करना है और कहेंगे क्या कि पैसा कमाना है,
तो प्लीज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कोई भी हो, चाहे गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, रिकॉर्डिस्ट, हमारे फिल्म लाइन के जो भी आर्टिस्ट है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, स्पोर्ट बॉय, सब लोग अश्लीलता का विरोध कीजिए। और थैंक यू सो मच खुशबू उत्तम पर ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि आप अपने को बदल डालिए और गंदे गीतों का परहेज, गंदे गीतों से आप गंदे गीतों का सीधे बहिष्कार करें। और तमाम श्रोता समाज से आग्रह करता हूँ आप लोग आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि गाली सुनने का काम न करें। कलाकार गंदा गीत भी गाता है, आपको गंदा गीत भी सुनाता है, आपको गाली भी देता है, कहता है कि आप सुनते हैं तो क्या करें। और एक चीज़ और कहेंगे, जो जातिवाद का ठेका लेकर के उन कलाकारों के खिलाफ गंदे रिपोर्ट करते हैं या सॉरी गंदे कमेंट करते हैं उनके लिए, और आपको लगता है कि कलाकारों को आप जानते हैं, तो लगा डालिए फ़ोन और कहिए कि मेरी बेटी की शादी है। अगर फोन आपका उठा ले तो गुलामी करेंगे, उठा भी ले तो आपकी बहन की शादी में निःशुल्क आ जाए तो गुलामी करेंगे। वैसे लोगों को कभी सपोर्ट न करें जाति के नाम पर। आपको मैं बता दूं, मेरे फेसबुक पर जितने लोग भी आते हैं सभी जाति के लोग आते हैं, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और सब लोग मुझे सलाह देते हैं। आज के बस आज का दिन इतना ही। आप सबको अनंत बात बारम्बार बताऊँगा।